अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का व्लॉग मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ कि आज का व्लॉग कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है, ट्रैवल ही था बट कन्वर्ट टू परचेजिंग हो गया है। तो आज का व्लॉग ट्रैवल व्लॉग नहीं, जो लोग ट्रैवल व्लॉग के हिसाब से देखना है वो नहीं देखें, जो फिश खरीदने के हिसाब से आए वही व्लॉग कंटिन्यू करें आज। हेलो एंड वेलकम टू रोड एडवेंचर्स ऑफ पाकिस्तान वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे आज का सीन ऐसा है कि सुबह सुबह के टाइम जो है ना वो हमारे मामू ने कॉल की और आज जो है मैंने सोचा कि आई एम नॉट अ फूड ब्लॉगर बट एक ऐसी जगह पर आया हूँ तो मैंने सोचा कि यार अभी चल रहा है ऐसा टाइम कि पीक पे ये सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में जो है ना वो सब लोगों को तकरीबन इसी चीज़ की जो है वो नीड हो रही है और लोग बहुत यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है और जो है ना मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊँ कि किस तरह से मछली की खरीदो फरोख्त होती है। तो उस चीज़ को मैं जो है वो करते हुए बताता हूँ अभी कि किस तरह से मछली की खरीदो फरोख्त की जाती है। यहाँ पे बहुत तरह की मछलियाँ और आज इस वक्त हम आए हुए हैं इब्राहिम हैदरी। रास्ते की वीडियो मैंने नहीं बनाई, उसका रीज़न ये था कि मैं बाइक चला रहा था और साथ में मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर आकर इतना ज़बरदस्त एक इन्वायरमेंट मिलेगा। तो इस इन्वायरमेंट को मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मछली की खरीदो फरोख्त की जाती है। फर्दर मोर इट इज़ नॉट अ ट्रैवल व्लॉग बट ये आप लोगों के लिए शायद ज़रूरी हो क्योंकि जो लोग मतलब घर से नहीं निकलते और मुझे तो फिश का ऐप भी नहीं पता जो हकीकत है वो ये। बाकी मैं अभी दाम जेटी किया, बहुत सारी जेटियाँ मैंने घूमी है बट देर इज़ समथिंग कुछ यूनिक इन्वायरमेंट नज़र आया तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह से चीज़ें और मछली खरीदी जाती है स्पेशली। तो चलते हैं हम मछली की जाने कैसे खरीदते हैं मछली। सबसे पहले तो इस तरह ना कीचड़ के जो है ना मामला से गुजरते हुए आपको मछलियाँ देखनी है इस तरह और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मुझे कुछ भी नहीं पता, बस ये फिश इतना पता। बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत ये कुछ जो है वो कुछ नए नस्ल की मछली नज़र आ रही है, मुझे इसका नाम नहीं पता और साथ में कुछ झींगे और प्रॉन वगैरह भी रखे हुए और ये भाई हीरा मछली है। ये हीरा है, ये कलरफुल जो है ये हीरा मछली कहलाती है भाई, कलरफुल जो है। और ये वाली जो है वो पापलेट है, यहाँ से भाई इसका नाम क्या था कौन सा, ये बोरा है भाई। और ये वाली ये पापलेट है और ये भाई ये एक नंबर सुरमई है, ये सुरमई है भाई एक नंबर। कौन कौन सी मछली भाई जल्दी से बता, ये बताएगा ये आल है। अच्छा। और ये बैंक कवा है, कवा। अच्छा कवा है। हाँ ये जलेबी है, ठीक है। ये बोरा है, ये किंगरा है, ये मीठे पानी का दया है भाई। इसने बता दी है सारी मछलियाँ, यही देगा तो मछली की इनके पास जो है वो मछलियाँ भाई बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, अच्छी हैं और सारी ताज़ी मछलियाँ हैं, कोई ऐसी नहीं है कि कोई जो है वो ख़राब हो, ताज़ी मछलियाँ हैं। इनको मार रहे झींगे भी रखे हुए हैं, बस ये कि वन ऑफ द मोस्ट स्मेली व्लॉग होगा ये, आप लोगों को तो नहीं आएगी बट मैं बहुत मुश्किलों से बना रहा हूँ लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्मेल है फिशेज़ की, लेकिन ये कि आप देख सकते हो ये सारी वही मछलियाँ पड़ी हुई हैं। तो अभी आगे चलते हैं, मज़ीद मछलियाँ दिखाते हैं आपको। ये देखें ये बड़ी खूबसूरत मछली, ये कौन सी क्या नाम है इसका, ये सोल मछली है भाई, ये तो एकदम जो है ना वो मुझे बोनलेस टाइप की लग रही है। तो और ये बांगड़ा मछली है भाई, ये दया है ये, लेकिन ये एसपी वाली दया नहीं है, दूसरी वाली दया है। और ये कौन सी हीरा, अच्छा ये है भाई मुश्का, जो हमने अभी वहाँ से बड़ी बड़ी मुश्का ली हैं। तो फिलहाल तो जो है ना मछली का ब्लॉग अभी मज़े का ब्लॉग है। फाइनली जो है ना वो ये मुश्का ले लिया हमने और ये अराउंड कुछ इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8 पीस बने और ये 5 kg की बनी है। फर्दर मोर जो है ना अभी रेट लिस्ट लेने के बाद बताऊंगा कि यहाँ से कितना रेट लिस्ट किस तरह से और क्या चीज़ें। फिलहाल ये 5 मुश्का बर्फ़ में से निकाली है और कहाँ से निकाली है वो भाई साइज़ दिखाएं ज़रा इनको, यहाँ से भाई साइज़ दिखाएँ, ये देखें साइज़ जो है वो ठीक ठाक है, वो बड़ा है इनका और है भी बहुत साफ़ सुथरी और यंग एकदम।
और बिल्कुल इन्होंने अभी जो ना इसमें से जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये बर्फ़ में इन्होंने पैक रखी हुई है और कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, फिलहाल अभी जो है वो सही है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग अभी इब्राहिम हैदरी की जेटी पर मौजूद हैं और देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ फिशरमैन्स और यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है वो जेटी के अंदर ना बहुत ज़्यादा रश भी है और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो फिश वगैरह लेने के लिए यहाँ आए हुए भी हैं और कुछ लोग फ़ोटोशूट और यहीं बहुत ज़बरदस्त इन्होंने पुल बनाया हुआ है फॉर द फिशरमैन्स। तो मैं आपको ये पुल दिखाता हूँ, पहले तो पहले आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोग मछलियाँ जाल में जो है वो मछलियाँ देखें, क्रैप्स पड़े हैं कुछ वहाँ पर, कुछ क्रैप्स हैं, ये बिल्कुल लाइव क्रैप्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये लाइव क्रैप्स हैं। तो देखें दो तीन तो हिल भी रहे हैं और देख भी रहे हैं हम लोग, और ये सब और ये इस तरह से जो है ना फिशिंग का सारा पूरा सेटअप इन्होंने डाला हुआ है। और इब्राहिम हैदरी की जेटी है और यहाँ पर लोग बहुत बेतहाशा जो है ना क्वान्टिटी में मछली लेते हैं और यहाँ पर क्वान्टिटी में ही लेने में फ़ायदा है क्योंकि कम क्वान्टिटी में लेने में ना नुकसान हो जाता है। और ये जिस पुल के ऊपर हम चल रहे हैं ये इन्होंने बनाया हुआ है बेसिकली लॉन्च वालों के लिए और आगे एक फ्लोटिंग है और इस फ्लोटिंग को देख के मुझे केटी बंदर याद आ गया, वंस अपॉन अ टाइम आई वाज़ ऑन द केटी बंदर, तो वहाँ पे इस तरह की फ्लोटिंग देखी थी मैंने और आज यहाँ पे इब्राहिम हैदरी पे इस तरह की फ्लोटिंग देख रहा हूँ। तो बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त सी जगह है और यहाँ से जो है वो कनेक्टेड ब्रिज इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये लोग सब काम कर रहे हैं यहाँ पर और अभी जाएंगे और हमारे लिए मछली लेकर आएंगे, मतलब मेरे लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए और जहाँ जहाँ तक इनकी इम्पोर्ट्स होती है उन सब के लिए। तो ये हम आ गए हैं फ्लोटिंग के ऊपर और ये फ्लोटिंग जो है वो इस तरह से समंदर पे आपको हिलती हुई नज़र आएगी ये, और इस पर हम चल रहे हैं इस पर कि बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहा होगा ये अप एंड डाउन हो रही है। तो ये फ्लोटिंग जो है वो काम कर रही है अपने हिसाब से और ये सारे इस वक्त जितने भी लोग हैं बेचारे अपने अपनी मजदूरियों के लिए अपने काम वगैरह करने के लिए यहाँ पर आए हैं और कुछ लोग हमारे तो ना यहाँ पर इंजॉय करने भी आए हैं, मछलियाँ ख़रीदने भी आए हैं, लेकिन ये समंदर की खूबसूरती है और ये पूरा एरिया है इब्राहिम हैदरी जेटी का यहाँ पर और यहाँ पर हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। मछली हमने ले ली है मुश्का और कुछ और भी मछलियों के नाम जो है वो पता चल जाएगा मुझे, धोतर है, हीरा है और बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये देखें आप कितनी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर तो फाइनली जेटी घूम ली हमने और मछली जहाँ तक हम ले सकते थे हमने ले ली है, मुश्का वगैरह ले ली थी और इस पुल के ऊपर से चढ़ते हुए हम वापस जा रहे हैं अपने लोकेशन पर और वो जो आपको नज़र आ रहा है एरिया पूरा वो सब इब्राहिम हैदरी की मेन मार्केट है और मछली यहाँ पे सही है, रेट मुनासिब है एज़ कम्पेयर टू मार्केट, रेट मुनासिब है क्योंकि यहाँ पर काम ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं और लेने वालों की भी तादाद यहाँ पर अच्छी खासी है और इतनी ज़्यादा कश्तियाँ जो खड़ी हुई हैं सभी काम कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं द बेस्ट पार्ट ऑफ ब्लॉग दिस यार, अभी सिनेरियो ऐसा है कि भाई ने जो है ना वो स्लाइस बना लिया, हमें ग्रिल बनानी थी बेसिकली और ग्रिल बनाने के लिए हमें स्लाइस बनवाने थे तो भाई ने एकदम ज़बरदस्त वाली जो है ना वो स्लाइस बना दिए हैं, इसको हम ग्रिल बनाएंगे मुश्का को जो आपको हमने मुश्का दिखाई थी। जैसे कि मैंने बताया कि भाई सिलसिला ऐसा है कि बस अब हो गया व्लॉग ख़त्म और ये मेरे पीछे मछलियाँ देख रहे हो इतनी ज़्यादा हैं, हालात बहुत ज़्यादा सख्त हैं और बदबू से ना हालत बहुत टाइट है, मास्क नीचे नहीं किया जा रहा है। तो टुडे जो व्लॉग है वो करता हूँ मैं एंड और बाकी की न्यूज़ बस यही है, आओ खरीदो यहीं से बनवाओ यहीं से ले जाओ और ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है और रेट भी बहुत मुनासिब है, इतना कोई ज़्यादा नहीं है। तो आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म और घर आ गए हैं, हमने रेसिपी जो है ना वो मामा बताएंगे रेसिपी कैसी है, मामा इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं बताएं ज़रा, ये बताएं मसाला इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं और ये किस तरीके से क्या क्या चीज़ें डाली हैं। अब ये पकने की जो है ना टाइम तक की वीडियो आपको दिखाएंगे, रेसिपी बना ली है मैंने कौन सी ये तो मुझे नहीं पता रेसिपी कौन सी है। पकाने से ना पकाने तक का सफर जो है ना मामा का स्टार्ट हुआ है, भैया एक तरफ ग्रिल चल रही है और एक तरफ फ्राई हो रही है, हाँ एक तरफ फ्राई हो रही है। तो ये जो है ना इख्तिताम की बात की वीडियो जो है ना एंड में लगाऊंगा जब तक ये रेडी हो रही है, हमने ऑर्डर दिए ऑर्डर दे दें